कांग्रेस की इस आपदा में अवसर तलाश रही है खुद के लिए बीजेपी पंजाब में? चित्रा जी, देखिए आज की जो चर्चा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कौन सा कॉमेडी सर्कस होता है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है ये तो हर नागरिक के लिए चिंता का सबब है। और एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें बार बार उसके किरदार कहते थे ऑल इज वेल। आज कांग्रेस में भी एक मूवी है 3 इडियट्स और कहा जा रहा है ऑल इज इन दी वेल, सब कुछ कुएं में चला गया है। और आप जैसे जैसे मैं बताऊंगा, मैं नहीं कह पाऊंगा ठोको ताली, क्योंकि ये ताली ठोकने की बात नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि कितनी गंभीर बातें कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, 9.5 साल के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा सिद्धू राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है, वो एक अस्थिर व्यक्ति है। अब आप मुझे बताइए, अगर वो अस्थिर व्यक्ति है तो उनको पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया? ठीक है। दूसरा, मनीष तिवारी जी ने आज कहा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 30 सेकंड ही लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। मनीष तिवारी जी ने आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने अस्थिरता पंजाब में फैलाई है, इसका फायदा हमारा पड़ोसी मुल्क, आप जानती हैं आतंकिस्तान, वो लेगा इस अस्थिरता का फायदा। क्या ये गंभीर नहीं है? तीसरी बात, सिद्धू ने जो कल अपने त्यागपत्र में कहा, आप जल्दी में है, मैं अंत कर दूंगा इसके बाद, हालांकि मुझे एक दो बातें कहनी थी बट मैं अंत कर दूंगा। ठीक है, अभी लंबी सिद्धू ने कल अपने त्यागपत्र में कहा, चित्रा जी, 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 पंजाब के भविष्य से मैं समझौता नहीं करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि 4.5 साल से इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री पंजाब के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जैसे ही मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ते हैं पंजाब से, प्लीज मुझे तुरंत कंफर्म कीजिएगा। लेकिन रशीद किजवाई जी, मैं चूंकि सीधे आपसे ही इसका जवाब ले लेती हूं, आप कांग्रेस पार्टी के बारे में लगातार लिखते रहते हैं और अंदरूनी खबरें भी आपके जरिए बाहर आती रहती है, ये तो महत्वपूर्ण सवाल है ना, पंजाब कांग्रेस में जो अस्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कौन है? और बार बार कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही अगर दिग्गज नेता कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, ये लोग कहें कि पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता दरअसल देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो ये स्थिति तो बहुत गंभीर हो जाती है। कहां जाकर थमेगा कांग्रेस का ये कला? और साथ ही वो सवाल भी कि क्या सिद्धू का खेल खत्म हो गया है ये माना जाए? चित्रा, तो आपके दूसरे प्रश्न का जवाब मैं पहले दूंगा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, तरीके से वॉर ऑफ एट्रिशन चल रही है, दोनों पक्ष अपना सूर लगा रहे हैं, कांग्रेस हाईकमांड देख रहा है कि किस तरफ किसका पलड़ा भारी है और उसी हिसाब से वो अपना रवैया अपनाएगा, अपना अपना रिएक्शन लेगा। दरअसल देखिए, राजनीतिक दल की जो एक ख्वाहिश होती है या पूरी जो संघर्ष होता है वो चुनाव जीतना होता है, और चुनाव जीतने के लिए तमाम तिकड़म किए जाते हैं। मुख्यमंत्री भाजपा ने भी कई बार हटाए हैं, कांग्रेस ने भी हटाया, उसका ये होता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी का वो स्लेट साफ करके एक साफ सुथरी छवि पेश करें, और उसके लिए सिद्धू ने एक बहुत बड़ा, मैं ड्रामा तो नहीं कहूंगा, एक बहुत बड़ी लाइन खींच दी है। अब कांग्रेस लीडरशिप जो है उससे विड्रॉ नहीं कर सकती, या तो सिद्धू के साथ कंप्रोमाइज करें या कोई नए फॉर्मूले के साथ लीडरशिप लाए, लेकिन उसमें कांग्रेस जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ कंप्रोमाइज निकलेगा।